फॉरेन की हॉरर स्टोरीज को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरेंडस संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरेंडस संडे। आज आप लोग सुनने जा रहे हैं ऑथर ई एफ बेंसन की लिखी हुई मिसेस एम्बर्थ की हिंदी अनुवाद वैम्पायर। जिस घटना की बात करने जा रही हूँ वो हुआ था ससेक्स की एक छोटे से गांव मैक्सले में। ऐसे खूबसूरत गांव पूरे इंग्लैंड में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोगों की संख्या उतना ज्यादा नहीं है। एक तरफ है चर्च और उसके बगल में कब्रिस्तान, बाकी छोटे छोटे लाल रंग के कॉटेज है। उस लाल कॉटेज के एक में ही रहता है जॉनस, वो कॉलेज की प्रोफेसर है। उसके पास वाले कॉटेज में ही रहता है प्रोफेसर फ्रांसिस उरकॉम, कैम्ब्रिज की रिटायर्ड प्रोफेसर। अब इस गांव में आके रह रहे हैं और पूरे दिन पैरासाइकोलॉजी लेकर पड़े रहते हैं। हर वक्त हॉन्टेड हाउस, पिशाच, तंत्र, इन सब लेकर ही वो बातें करते हैं। हर वक्त जोर जबरदस्ती उरकॉम इन सब बातों को सुनाता रहता है जॉनस को। जॉनस को भी अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ दिन हुआ उन लोगों की बातों के टॉपिक बदल गया है, क्योंकि कुछ दिन हुआ मिसेस एम्बर्थ नाम की एक औरत इस गांव में आके रह रही है। उसकी वजह कुछ और है। उसके पति पेशवर के किसी कोर्ट में जज था। उसके मौत के बाद वो लंदन वापस आ गई। अचानक एक दिन उसको पता चला कि मैक्सले में उसके मकान है और मैक्सले की चर्च उसके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए वो यहाँ पे आ गई। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, हर वक्त हंसी खुशी रहती है, हर वक्त उसके चेहरे में एक बचपना रहता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ उरकॉम ही उनसे मिलके खुश नहीं था। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ऐसे दिन आगे बढ़ा। जॉनस के साथ एम्बर्थ की दोस्ती थोड़ी गहरी हुई। एक दिन उरकॉम के कहने पर जॉनस ने एम्बर्थ को अपने घर बुलाया। जिस दिन वो आने वाली थी उस दिन आधे घंटे पहले जॉनस के घर आया उरकॉम। वो जनरली जहां भी जाता है लेट करता है। आज उसे जल्दी आता देख जॉनस उनसे वजह पूछा तो उसने कहा कि वो आज पढ़ाई कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी यहाँ आ गए। पढ़ाई की टॉपिक था वैम्पायर। आजकल वैम्पायर में कौन भरोसा करता है, लेकिन अचानक उरकॉम ब्लैक डेथ के बारे में पूछ लिया। जॉनस ने जवाब दिया कि ब्लैक डेथ था पुराने जमाने का एक रोग जो पूरे यूरोप के आधे लोगों को खत्म करके एक दिन अचानक से गायब हो गया। उरकॉम ने कहा, सोच लो वैम्पायर इस टाइप का है, उस वक्त मैक्सले में ये बहुत तबाही मचाया था, पता है? प्रोफेसर उरकॉम और कुछ बोलने जा ही रहे थे, लेकिन दरवाजे पे मिसेस एम्बर्थ को देखकर रुक गए। उसके बाद वो तीन जन एक साथ बैठ के बातचीत करने लगे। उस साल गर्मी के बाद ठीक से बारिश नहीं हुआ, सूखेपन के वजह से या नहीं पता नहीं, लेकिन पूरे मैक्सले में एक बहुत छोटे छोटे काले रंग के कीड़े जन्म लिए। शाम में हजारों के तादाद में ये कीड़े निकलने लगे। उसके काटने के साथ साथ ही उस जगह पे बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिसेस एम्बर्थ की माली की 7 साल के लड़के को एक अजीब सा बीमारी हुआ। हर वक्त उसे तड़पता देख सब इस कीड़े को सीरियसली लेने लगे। कुछ दिन से उस लड़के को भूख नहीं लग रहा था, शरीर सूखने लगा। डॉक्टर को उसके गर्दन में 2 छेद मिला। डॉक्टर ने कहा कि उस कीड़े के वजह से ही ये रोग हुआ है। डॉक्टर ने कहा वो लड़का अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उस दिन रात में मिसेस एम्बर्थ के घर गया जॉनस। उसके बगीचे में वो तब काम कर रही थी। जॉनस एम्बर्थ से बात करने लगे।
ऐसे ही एक वक्त एम्बोर्ट ने कही, ये रात की हवा, मिट्टी की खुशबू उसे बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि वो बोल रखी है, उसकी मौत के बाद उसकी लाश कॉफिन के अंदर ना डाला जाए, सीधा मिट्टी में दफनाया जाए। जॉनस को ये सब बातें अच्छा नहीं लग रहा है। वो लौट आने लगा कि तभी मिसेस एम्बोर्ट उसे रात में खिड़की खोल के सोने के लिए कही। रात में जॉनस को नींद आने में देर हुआ। सर के पास वो खिड़की खुला है, शायद आंख लग गया था, आधी रात में नींद खुल गया। जॉनस की आंखें खिड़की में पड़ते ही उसके शरीर के अंदर जैसे मरोड़ आने लगा। खिड़की बंद है, साफ याद है वो खिड़की खोल के सोया था, लेकिन उस कॉटेज में जॉनस के अलावा कोई नहीं रहता। जॉनस उठ के खिड़की खोल के पर्दा हटा दिया और साथ साथ उसके होठों से एक चीख निकल आया। पैर कांपना शुरू हो गया। खिड़की के बाहर हवा में खड़ी होकर उसे तार रही है मिसेस एम्बोर्ट। आंखों की रंग लाल, सर गर्दन से ऊपर नीच हो रहा है। डर के मारे जॉनस पीछे हटने लगा। एक चीख निकल आया उसके मुंह से, साथ ही साथ वो उठकर बैठ गया। नींद टूट गया, खिड़की में कुछ नहीं है। अगले दिन सुबह प्रोफेसर फोन करके उसे बुलाया अर्जेंट मीटिंग के लिए। जॉनस जाएंगे नहीं, इसे सुनते ही 5 मिनट के अंदर प्रोफेसर उरकॉम खुद आया जॉनस की कॉटेज में। हमारे 90% व्यूअर्स हमारी कहानी बार बार सुनते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए कहानी बनाने में हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और हमें इंस्टा और फेसबुक में फॉलो जरूर करें। कहानी में हूँ मैं रौनिता, अनुवाद में है पलक। मिलते हैं बहुत जल्द इस कहानी के आखिरी हिस्से के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।